साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 NIOS उर्दू, सबक नंबर 6, कृष्णचंद। सबसे पहले कृष्णचंद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके जो अफसाने लिखे हुए हैं उनके बारे में। उनका अफसाना है दरवाजे खोल दो, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका तारुफ है वो पढ़ लेते हैं कि कृष्णचंद उर्दू के अहम अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। उनके नावल और अफसाने चौंका देने वाले होते हैं। उन्होंने किसी मखसूस तहरीक या नुक्ता नज़र को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी आँखों से जो कुछ देखा, दिल से जो कुछ महसूस किया, उसी पर एतमाद किया और अपने अफसानों में उसी चीज़ को बरपा। कृष्णचंद के बारे में है कि कृष्णचंद की पैदाइश 23 नवंबर 1916 को वज़ीराबाद पंजाब में हुई। वे नस्ल कश्मीरी थे और इब्तदाई तालीम कश्मीर में ही पाई। आला तालीम लाहौर से पूरी की। उन्होंने सहाफ़ी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसके बाद कुछ दिनों रेडियो से वाबस्ता रहे, फिर फिल्मी दुनिया से मुंसलिक हो गए और आखिरी उम्र तक मुंबई में ही मुकीम रहे। चलिए तो कृष्णचंद के समाजी पहलू पर गौर किया। उन्होंने अपने अफसानों में जगह दी। इसके अलावा हकीकत पसंदी और समाजी हकीकत पसंदी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। वे अपनी इन्हीं खसूसियात की बिना पर अपने हम असरों में सर फहरिस्त होंगे। उनकी ख़ास खूबियाँ ये भी हैं कि उन्होंने अफसानों के ज़रिए गरीबों, नादारों और कमज़ोरों के दुख दर्द की तर्जुमानी की। उन्होंने जहाँ मरकज़म की तबलीग की, मार्कनिज़म की तबलीग की, वहीं ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि तहजीब व तमद्दुन और अपनी ज़बान से भी मुंसलिक रहे। उन्होंने अपने मुल्क की और अपने अहद की मुसीबतों को उजागर करने में अहम रोल अदा किया। ये इनके अफसाने के बारे में कि भाई उन्होंने अपने अफसाने में जो समाज में बुराइयाँ फैली हुई थी उनके बारे में खूब ज़िक्र किया। गरीबों के जो हालात थे, जो बेसहारा थे उनके हालात थे, जो कमज़ोर थे उनके हालात थे, और जो समाज में बुराइयाँ उठ रही थी और देश के ऊपर जो जो मुसीबतें तारी थी उन सब के उन्होंने जिक्र किया। अब उन्होंने कितनी किताबें लिखी, कौन कौन सी खास हैं वो पढ़ने। कृष्णचंद ने तकरीबन 80 किताबें लिखी, जिनमें से अफसाना, नोवेल, ड्रामा, रिपोर्टाज वगैरह शामिल हैं। उनके अफसानों की तादाद तकरीबन 500, नावलों की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा है। उनके अफसानों का नुमाइंदा मजमू नज़ारे, ज़िंदगी के मोड़ पर और टूटे हुए तारे, अनदाता, 3 गुंडे, समुंदर दूर है, अजंता से आगे हम वेशी हैं, मैं इंतज़ार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन, 1 रुपये, 1 फूल, 1 तवाइफ का ख़त, जैक्सन अमृतसर, पेशावर एक्सप्रेस, शहज़ादा, कालू बंगी, ताइसरी वगैरह। इसके बाद है कृष्णचंद इश्तराक के नज़रिया ज़िंदगी यानी समाजी मसावात में यकीन रखते थे। उनके नज़दीक एक इंसानों के दरमियान किसी किस्म का इम्तियाज़ दुरुस्त नहीं। आवाम से मोहब्बत करना और जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उनके तमाम अफसानों में देखने को मिलता है। उनकी ज़बान जज्बाती, रोमानी, शायराना, शीरी, आसा और रवान है। उनके कारनामे के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड से भी नवाजा गया। 18 मार्च 1977 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए लबैक कह दिया और इस तरह उर्दू अदब का ये चिराग हमेशा के लिए गुल हो गया। कृष्णचंद ने एक ही ड्रामा लिखा, दरवाजे खोल दो, जो हमारे निसाब में शामिल है। ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। ड्रामे के आखिरी बाब को हमारे सबक में शामिल किया गया है, यानी आप इसमें पढ़ेंगे। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते आए हैं। यही वजह है कि यहाँ के रस्म व रिवाज और तहजीब भी जुदा है, लेकिन इस इख्तलाफ को अगर नफ़रत का सबब बना लिया जाए तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए इस मुल्क में कौमी एकता की सख्त
ज़रूरत है। इसके पेश नज़र किशनचंद ने ड्रामा दरवाजे खोल दो लिखा। वे लिखते हैं, जब दिल के दरवाजे बंद कर लिए जाते हों तो मजहबी जोश और जुनून की सूरत इख्तियार कर लेता है और इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है। लेकिन जब कोई आदमी अपने दिल के दरवाजे खुले रखता है तो किसी को दुख नहीं देता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वे सबको सुख देता है और सबकी भलाई चाहता है। कृष्णचंद्र ने इस ड्रामे के ज़रिए कौमी यकजहती और भाईचारे का पैगाम दिया। ये ड्रामा तवील है, हमारे निसाब में ड्रामे का आखिरी हिस्सा शामिल किया गया है। एक मुख्तसर जायज़ा सबक से मुतअल्लिक़ दरवाजे खोल दो, तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं, क्या इसके बारे में बताएगा। रामदयाल एक कट्टर ब्राह्मण है जो फ्लैट्स बनवाकर बेचता है या किराए पर देता है। हालांकि उसके पास 9 फ्लैट्स खाली हैं, लेकिन वे किसी ऐसे आदमी को किराए पर देने के लिए तैयार नहीं हैं जो उसके मजहब या उसकी ज़ात का ना हो। एक मुसलमान जोड़े को उसने यह कहकर वापस कर दिया कि आपके लिए मुनासिब जगह जामा मस्जिद और उर्दू बाज़ार है। एक पंजाबी को इसलिए फ्लैट देने से नहीं दिया कि वह गोश्त मछली खाता है। एक मद्रासी होटल वाले को मकान देने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह चमार का बेटा है। आखिर जब एक ईसाई लड़की फ्लैट लेने आती है, उस वक्त रामदयाल ऑफिस में नहीं होता है। उसका बेटा कमल कांत उसे फ्लैट देने का वादा कर लेता है। लड़की अपने अंकल राम भरोसे को फ़ोन करके बुलाती है। वे सामान समीर कंबल कंच अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं होता। कमलकांत लड़की को लेकर फ्लैट दिखाने गया है। राम भरोसे को लेकर तख्त को स्टेज के मरकज़ में लेता है और उस पर बुरे बुरे मज़े से दराज हो जाता है। ऑफिस में सामने इधर उधर फैला हुआ है। चंद लम्हों बाद लड़की का बाप डॉक्टर क्लेटो दाखिल होता है। उसके एक हाथ में मेडिकल बैग और कोट की जेब में स्टेथोस्कोप ठूसा होता है। उसको गले में आते ही उसकी नज़र सामने पड़ती है। फिर राम भरोसे पर वे टीका देकर राम भरोसे को जगाता है। राम भरोसे उसे अदब से खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो मंजर दिखाई देता है उसमें राम भरोसे और डॉक्टर बात करते रहे हैं। इसके अल्फाज मतलब ये है कि देखिए, किसी को अपने मज़हब के उसको दे रहा था, लेकिन किसी के अंदर जो है क्वालिटी है इसके लिए तो उसको दे दे पाऊँ मजबूर। उसके अल्फाज तेरी किसी बात को शुरू करना, मुंसलिक शामिल होना, मुकीम क़याम करने वाला, तबलीग पहुँचाना, इश्तराकी मुलजिम से मुताल्लिक मसावात बराबरी इम्तियाज फ़र्क ज़ुल्म व तशद्दुद ज़्यादती कौमी यकजहती मुल्क इत्तेहाद मिलजुल कर रहना। चलिए इसके अख्तितामी सवाल जवाब देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं टिक करता रहूँगा, आप उस पर टिक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दरवाजे ड्रामा दरवाजे खोल दो का मरकजी ख्याल क्या है। जवाब,
ड्रामा दरवाजे खोल दो का मरकजी ख्याल कौमी यकजहती है। कौमी यकजहती से मुराद सभी लोगों को, ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको मिलजुल कर आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। रामदयाल अपनी ज़ाती बिरादरी के बाहर के लोगों को फ्लैट देने से क्यों मना करता था? रामदयाल एक पुराने ख्याल का आदमी था। उसे डर था कि अगर वे गैर मजहबी लोगों को फ्लैट देगा तो उसका मजहब खतरे में पड़ जाएगा, उसका धर्म फिर सेट हो जाएगा। इसीलिए वह अपनी बिरादरी के बाहर को लोगों को फ्लैट देने से मना करता था। इस ड्रामे के किरदारों में से कौन सा किरदार आपको पसंद आया है और क्यों? ड्रामा दरवाजे खोल दो में कुल 6 किरदार पेश किए गए हैं। पंडित रामदयाल, कमलकांत, मिर्ज़ा इरशाद हुसैन, मिस अस अजाबिला कोयलो, डॉक्टर एट्रोड कोयलो, अंकल राम भरोसे। मस्कुरा वाला किरदारों में सबसे पसंदीदा किरदार कमलकांत का है। कमलकांत रामदयाल का बेटा है। वे एक रोशन ख्याल और समझदार इंसान है। उसके दिल में किसी तरह का कोई तासुब नहीं। यही वजह है कि वह बिना नाम पता पूछे एक क्रिश्चियन फैमिली को फ्लैट दे देता है। जिससे रामदयाल काफ़ी खफा होता है और उसी गुस्से में रामदयाल को दिल का दौरा पड़ता है। फिर कमलकांत उसी डॉक्टर को एग्जामिन कर रामदयाल का इलाज करवाता है। इस तरह कमलकांत इस ड्रामे का एक जिंदा जावेद और मुतहर्रिक किरदार है। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, देखिए पहले ही टिक लगा हुआ है। कृष्ण चंद के स्लोप पर रोशनी डालिए, मतलब उनका जो स्लोप है, लिखने का स्टाइल है, उसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आता है 12th क्लास में जो NIOS में, वो इसे नोट कर लें पॉइंट टू पॉइंट। कृष्ण चंद का स्लोप नहायत खूबसूरत, दिलकश और शायराना है। उनकी तहरीरों में उनकी फ़िक्र मुशाहिदे और तख्लीक कार की कार फरमा नज़र आती है। उनके मुशाहिदे काफ़ी वसी और गहरे हैं। कृष्ण चंद इस ड्रामे के ज़रिए तासुब और तंग नज़री के ऊपर गहरी चोट की है। उनका कहना है तासुब और तंग नज़री मुल्क की तरक्की के लिए एक बड़ा ख़तरा है। किरदार निगारी में कृष्ण चंद कामयाब है। उनके सभी किरदार ज़िंदगी, माशरे और समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके किरदार आला और मुतवस्सित और निचले दर्जे के हैं। मंजरकशी और फ़ज़ा आफरीनी पर उन्हें ख़ास ध्यान रखते हैं। मुख्तसर तौर पर कह सकते हैं उनका स्लोब और तहरीर तर्ज तहरीर जूता और अनोखा है। उनके यहाँ सादगी, सलासत और रवानी शीरनी व लताफत का अक्स बड़ा और वाज अंदाज में मिलता है। तीन चंद मनाजिर कुदरत से दिल ज़रूर बहलाते हैं, लेकिन दुनिया की तल्ख हकीकतों से भी रोशनास कराते हैं। उनका नज़रिया सिर्फ मजदूर और किसान तक ही महदूद नहीं, बल्कि मुतवसित दर्जे की अलमनाक ज़िंदगी को बड़े शानियाना ढंग से पेश करते हैं। उनके यहाँ रोमान और हकीकत का हसीन इम्तिजाज है, यानी इम्तिजाज कहते हैं मिलन साथ तंजो मज़ा का इस्तेमाल, तंजो मज़ा किया जाता है हंसी मजाक में, ऐसी बात कह देना जो हकीकत हो। एक माहिर जराह की तरह फासिद मादे की नश्तर जनी की तरह करते हैं, मतलब जो ज़ख़म को साफ़ करता है
इसी तरह उसको भी साफ कर देते हैं। जो कुछ देर के लिए तकलीफ़ दे तो ज़रूर, लेकिन ज़ख्म को कोड़ा नहीं बनने देता। यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल है अगला, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो है ये आता है कि भाई ड्रामे के अज्जाए तरकीबी के बारे में तफसील से बताएं क्या होते हैं। ड्रामा यूनानी जबान यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से निकला है, जिसके मानी हरकत व अमल के हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ड्रामा तमाशाइयों के रूबरू स्टेज पर अदाकारों के जरिए पेशकश का नाम है। अरबी और फारसी में इसे तमसील कहा गया है, जबकि हिंदी और संस्कृत में नाटक मानी और मफहूम के मुताबिक ड्रामे में अमल का वजूद ज़रूरी है। ड्रामा ऐसी नकल है जिसे पेश करते वक्त अकल को बखूबी जहन में रखना पड़ती है। हिंदुस्तान और यूनान दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ ड्रामा खूब फला फूला। किसी मशहूर ड्रामा निगार का कौल है कि दुनिया एक स्टेज है और इंसान इसका अदाकार, यानी इंसान की पैदाइश गोया उसका स्टेज पर आना और उसकी मौत गोया स्टेज से गुजर जाना है। ड्रामे के इब्तिदा नक्काली से होती है। नक्काली यानी नकल उतारना। ये नक्काली इंसानी फितरत की खसूसियत है। बच्चा पैदा होते ही नकल का दिलचस्प मुजाहरा शुरू कर देता है। बोलना पर वे हम शक्लों की नकल करता है, चलने पर वे साथियों की पैरवी करता है। मुख्तसर ये कि पैदाइश से मौत तक इंसान का हर अमल उसकी हरकतें नक्काली की एक अजीबोगरीब दिलचस्प मिसाल होती हैं। आर्ट या कल्चर की कोई जबान या मजहब नहीं होता, बल्कि उसकी एक कायनात जबान होती है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक इंसान के दिलो दिमाग के साथ शुरू होता है। ऐसी बात उर्दू स्टेज पर बावावर आती है, जिसकी बुनियाद संस्कृत और यूनानी ड्रामे के इशारे पर पड़ती है। ये कहना दुरुस्त है कि ड्रामा दुनिया की पैदाइश के वक्त से शुरू हुआ, वहशी अक़वाम के जंगलों और पहाड़ों में बग़ैर साजो सामान और लिबास और आराइश के साथ के आग रोशन करके अपने बोलचाल में आवाज़ें लगाना, खेलना कूदना नाचना गाना, ये सब ड्रामा या नाटक ही था। लेकिन लेकिन उसी इब्तिदा को लेकर नाकदीन में इख्तिलाफ राय है। कुछ नाकदीन का कहना है ड्रामा यूनान की पैदावार है और यहीं से ये फ़न सारी दुनिया में फैला, जबकि कुछ नाकदीन की राय में इसका असर यूरोप में और मगरिब तक ही महदूद था। मौजूदा दौर में ड्रामे के नाकदीन ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में दर्ज झेल अज्जाए का जिक्र किया है, मतलब ड्रामा लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला दिया है प्लॉट या कहानी, दूसरा है मरकज़ी ख्याल, तीसरा है आगाज़, चौथा है किरदार निगारी, पांचवा है मुकालमा, कशमकश, तसादम, नुक्ता उरूज, अंजाम। तो चलिए बारी बारी इनको पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। प्लॉट या कहानी क्या होता है? माजरा या वाकया ड्रामे के मुनासिब और मुतवाजन तरतीब को प्लॉट कहते हैं, मतलब उसको तरतीब देना प्लॉट कहलाता है। कौन सा किरदार कब एंटर होगा, कब जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे ड्रामे आते हैं, उमर शरीफ है, कपिल शर्मा शो है, उसमें कब शुरू करना है, कौन सा किरदार कब आएगा, कब जाएगा, क्या बोलना है, ये सब प्लॉट कहलाता है। ड्रामे के ज़्यादातर कामयाबी का इनिसार
प्लॉट या कहानी के असल मौजू पर होता है। अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत की तश्कील भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्लॉट की बुनियाद मजबूत और उसकी तमाम कड़ियाँ चुस्त और पेवस्त हों। ड्रामा निगार का ये फ़र्ज़ है कि फजूल चीज़ों को ड्रामे से खारिज करके अहम वाक़यात को पेश करें। अच्छे प्लॉट के लिए तख्लीक भी एक लाजमी जुज़ है। साथ ही प्लॉट में रब्त तो तसलसल और सादगी का होना ज़रूरी है। प्लॉट समझ में आ गया। अगला है मरकज़ी ख्याल। प्लॉट का असल जुज़ मरकज़ी ख्याल है। इस पर कहानी का दारोमदार होता है। कोई वाक़या या किस्सा बिना किसी मकसद या नतीजे के कारामद नहीं हो सकता। यानी जो आप लिख रहे हैं, मरकज़ जो आप ड्रामा बना रहे हैं, उसके अंदर एक जो किरदार है, मतलब जो आप चीज़ गरीबी को बयान कर रहे हैं, तो आपका मरकज़ी किरदार है। अगर आप समाज में किसी बुराई को बयान करना चाह रहे हैं, वो आपका मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल की अहमियत ही ड्रामे को दिलचस्प अफादियत से हमकिनार करती है, और इसीलिए इस ड्रामे की रूह से ताबीर किया गया है। मरकज़ी ख्याल जितना पाकीज़ा, हसीन और सादा होता है, उतना ही वाक़यात असर पसीर और नतीजा खेज साबित होता है। आगाज़। कोई भी कहानी इब्तिदा से दिलचस्प नहीं होती तो उसकी कामयाबी की आइंदा तवक्को दुश्वार हो जाती है। इसका इतलाक ड्रामे पर होता है। ड्रामा निगार को हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि ड्रामे का आगाज़ ऐसा हो कि नाजरीन या सामईन अचानक मुतवज्जो, यानी जो उसकी तमहीद हो, इंदा शुरुआत हो, ऐसी ज़ोरदार हो, ऐसी भरपूर हो कि जो देखने वाले एकदम अट्रैक्ट हों, एकदम मुतवज्जो हों, एकदम आपकी तरफ हों। जैसे आप फिल्म का प्रोमो देखते हैं तो क्या होता है, एकदम ऐसे उसके अंदर से ऐसी चीज़ें या ऐसे किरदार लाए जाते हैं या इस तरह के एक्शन या इस तरह के सीन दिखाए जाते हैं कि आप कहते हैं भाई ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी मुझे। तो इसका जो ड्रामे का आगाज़ हो वो भी ऐसे ही हो, इतना अट्रैक्टिव हो कि आप पूरा ड्रामा देखने पे मजबूर हो जाएं। किरदार निगारी। कुछ लोग गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि ड्रामे का ताल्लुक चूँकि हरकत व अमल की सच्ची तस्वीरों से मुकम्मल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसके किरदार अपने अफ़ाल व हरकत सकनात में ज़िंदगी की हकीकी अक्कासी कर सकें। मुकालमा। मुकालमा सवाल व जवाब पर यह अमल सदाकत का आइंदा आइंदरार होता है, और किरदार की कामयाबी बहुत हद तक मुकालमे पर मुनहसिर करती है। मुकालमे के ज़रिए ही तमाम ख्यालात जज्बात का इजहार होता है। कशमकश ड्रामे का एक अहम जुज़ है जो तमाशाइयों को हैरत में डालता है। कशमकश मतलब शशोपंज में रखना, एक तरीके से सस्पेंस में, सस्पेंस भी होना चाहिए। तसादुम। हर ड्रामे में तसादुम का होना लाजमी है, इसके बगैर ड्रामे का वजूद मुमकिन नहीं। ड्रामे में दो तरह के तसादुम, दाखली और खारजी। अब दाखली तसादुम क्या होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। दाखली तसादुम इंसान के जज्बात व ख्यालात शऊर तुल शऊर के मातहत दरमियानी वाक़े होते हैं। इसके बरखिलाफ़ खारजी तसादुम किरदारों या दो ख्यालात के दरमियान होते हैं। देखिए जब आप कोई ड्रामा देखते हैं उसमें तसादुम होता है, मतलब आप कहते हैं भाई ये क्यों आ गया, ये ख़त्म हो, ये आ, ये जीते, ये आ रहे हैं, मतलब ये टकराव रहता है जिससे उसकी कशमकश और उसके अंदर शोक बरूज। ड्रामा अंजाम के आखिरी मंजिल तक पहुंचने से पहले दिलचस्प तरक्की की मंजिल तक पहुँचने, अदबी इस्तिलाह में उसको नुक्ते उरूज यानी क्लाइमैक्स कहते हैं। ये ड्रामे का आखिरी बाब होता है। अब है अंजाम, मतलब उसका अंजाम कैसा होना, इख्तिताम भी बोल सकते। नुक्ते उरूज के बाद ड्रामे का आखिरी मंजिल अंजाम है।
अगर उरूज कामयाब है तो अंजाम कामयाब होगा। अंजाम को मरकजी ख्याल का पाबंद होना चाहिए। लिहाजा निदामा निगारों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मौजू जिस कदर सादा और सलीस और उरूज जिस कदर मजबूत होगा, अंजाम उतना ही पुरअसर होगा। बकौल अरस्तु, ड्रामे के अंजाम हकीकत से करीब होना चाहिए। ड्रामे के मुतालिक अज्जाए तरकीबी में आप इनमें से किसी तीन के बारे में तीन जुमले लिखिए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इस पे लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रामे के मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी में आप इनमें से किसी तीन के बारे में तीन जुमले लिखिए। ज़ेरे नज़र ड्रामे के तीन अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डाली जा रही है। प्लॉट या कहानी, प्लॉट या कहानी किसी भी ड्रामे को पेश करने के मुकाबले काफ़ी अहम ज़रूरी है। प्लॉट या कहानी छोटी होनी चाहिए। प्लॉट की खूबी यह है कि वे सच होती है, मुकालमे ड्रामे की असल जान है। दूसरा, इसके ज़रिए ड्रामा निगार अपनी बात वाज़े करता है, यानी एक्सप्लेन। मुकालमे से ड्रामा निगार किरदारों को उभारता है। तीसरा, पेश ड्रामे को पेश करने की तकनीक अच्छी होनी चाहिए। ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार पेशकश पर ही होता है। पेशकश भी इस तरह का फन होता है जो किरदारों को उभारती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो बनाई है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था कृष्णचंद का, ये बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप सवाल जवाब और इसे वहाँ से भी उतारने में परेशानी ना हो। समझने के लिए मैंने पूरा समझा दिया है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप NIOS इग्नू DU में एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारा नंबर 9136183233 है। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो सब्जेक्ट के पढ़ने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कुछ परेशानी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।